फैजान सर, इस समय बिग बॉस 17 काफी जोरों शोरों से चल रहा है, आप कितना फॉलो कर पा रहे हो? बिग बॉस 17 को पूरा फॉलो कर रहा हूँ, बिग बॉस 16 को भी मैंने फॉलो किया था, और अभी जैसा मुझे लग रहा है कि मुनव्वर फारूकी ही बिग बॉस 17 का विनर होना चाहिए, क्योंकि मुनव्वर फारूकी का एक अलग ही पहचान है, अलग ही इमेज है। सो मुझे लग रहा है बिग बॉस 17 में जब से मुनव्वर आए, जब से शो बहुत अच्छा होता जा रहा है, और मेरे हिसाब से बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी हैं। जी, बिग बॉस OTT आप फॉलो किए थे, वहाँ पर कौन आपको पसंद था अलविश यादव के सिवा? देखिए, बिग बॉस OTT में अगर मैं आपको सच बताना चाहूँ तो मेरे हिसाब से पुनीत एक अच्छा परफॉर्मर था, लेकिन पुनीत को जल्दी बिग बॉस से बाहर कर दिया गया है। अभिषेक अच्छा परफॉर्मर था, उसको भी जल्दी बाहर कर दिया गया है। और कैसे, किस तरह से, मुझे उसको समझ में नहीं आया कि किस तरह से अलविश यादव विनर बना था, वो भी मुझे समझ में नहीं आया है। और उसके बाद से जो मनीषा रानी के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा बताया था, तो मनीषा रानी का बिग बॉस में आने के बाद मनीषा रानी का एटीट्यूड उस लेवल पे चला गया है कि मुझे भी समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ें हैं। और जैसी कि पहले भी मैंने कह चुका हूँ अपने इंटरव्यूज़ में, आज भी मैं वो सामने आ चुका हूँ, इसलिए कि मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनीषा रानी के लिए मैं सामने ला सकता हूँ। तो कुछ ऐसी पर्सनल प्राइवेट कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मनीषा रानी की आई हैं, जो इस वक्त दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, जो मनीषा रानी का असली चेहरा है, वो मैं दुनिया को सुनाना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो वो सुना सकता हूँ। हाँ, इस रिकॉर्डिंग में उसने इतने बड़े सुपरस्टार का नाम लिया, और मनीष रानी ये भूल गई हैं कि अभिषेक बच्चन भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ना कि वो अभिषेक बच्चन एक सुपरस्टार का बेटा है, वो खुद एक सुपरस्टार है। मैं मनीषा रानी से पूछना चाहता हूँ, मनीषा रानी, आपने अभिषेक बच्चन की गुरु मूवी देखी है, उसे जाके देखिए, और उसमें अभिषेक बच्चन की मूवी देखिए। अभिषेक बच्चन एक सुपरस्टार है, मनीषा रानी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कैसे कह रही हैं कि वो स्टार नहीं है, और आप कैसे कह रही हैं कि अभिषेक बच्चन एक फ्लॉप एक्टर है, आप ये कैसे कह सकती हैं? आपने अभिषेक बच्चन की अभी रिसेंटली घूमर मूवी देखी है? घूमर मूवी में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग देखिए। अभिषेक बच्चन एक स्टार का बेटा है और खुद एक सुपरस्टार है। मनीषा रानी में इतना एटीट्यूड आ गया है, इतना ईगो आ गया है। आप देखिए मनीषा रानी का असली चेहरा, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग आज आपको सुनाई कि जहाँ वो पहुँच सकती है वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। तो मनीषा रानी, आप बहुत बड़े धोखे में हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि आप जहाँ जा सकती हैं वहाँ कोई नहीं जा सकता, दुनिया में जा रही हैं। और मनीषा रानी के लिए मेरे पास एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ये देखिए। कौन है ये? ये मनीषा रानी के बॉयफ्रेंड हैं जी। और अगर मैं मनीषा रानी से पूछना चाहता हूँ, मनीषा रानी से पूछिए ये कौन है, तो अभी इतना बड़ा खुलासा मैं सच्चाई अभी दुनिया के सामने कर रहा हूँ। मनीषा रानी, आप बताइए संजय सहगल कौन है, या फिर इसका खुलासा मैं धीरे धीरे आपके साथ करूँ? अंधेरी में आपका किसके साथ मिलना जुलना रहना होता था, ये संजय सहगल कौन है मनीषा रानी, इसका जवाब आप दीजिए। सो मनीषा रानी के बहुत सारे राज हैं जो दुनिया को पता नहीं है। वो एक अच्छी लड़की बन के बिग बॉस के अंदर आई करा, लेकिन उसकी असलियत मैं धीरे धीरे सामने ला रहा हूँ, ये दुनिया के सामने आ रहा है। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, मैंने पहले भी एक कॉल रिकॉर्डिंग आपको बताई थी जिसमें बहुत वो एटीट्यूड दिखा रही थी। अभी तो उसने इतने बड़े सुपरस्टार अभिषेक बच्चन का नाम ले दिया, जो अपने आप में एक लेजेंड है। अभिषेक बच्चन की मूवी आप देखें तो वो 100-200-400 करोड़ से कम की मूवी करता नहीं है, बहुत सिलेक्टेड मूवी करता है। सो किस तरह मनीषा रानी दूसरों का नाम यूज़ कर रही है, किस तरह दूसरों का इस्तेमाल कर रही है, मैं पहले भी कहना चाहता था, आज भी कहना चाहता हूँ कि मनीषा रानी एक फेक लड़की है जो ये सब चीज़ें यूज़ कर रही है। जिस तरह से मनीषा रानी को लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, इस समय गाना भी आया था अलविश यादव के साथ, फिर फुकरा इंसान के साथ भी उनका सॉन्ग आया था, लोग काफ़ी सराह रहे हैं उनको, लेकिन उस बीच लोगों को पता नहीं मनीषा रानी इस तरह की। जी बिल्कुल बिल्कुल, मनीषा रानी की सच्चाई लोगों को पता नहीं है, जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको सच्चाई पता नहीं है। उसकी सच्चाई मैं इसलिए सामने ला रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी चीज़ मेरे पास आए सच्चाई में दुनिया तक पहुँचाऊँ। सो मेरा काम यही है, दुनिया को सच बताना, सच का झूठ पे से पर्दा हटाना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से जो मनीषा रानी को फॉलो कर रहे हैं, वो इसका ध्यान रखें कि उसमें इतना एटीट्यूड है, इतना ईगो है। और वाकई जो असली हकदार लोग हैं, मुनव्वर फारूकी को प्यार करिए। मेरी उनसे कोई पर्सनली ऐसी पहचान नहीं है, लेकिन वो इंसान अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, लोगों का प्यार उनसे जुड़ा है। तो देखिए जो जेन्युइन लोग होते हैं अलग ही समझ में आते हैं। तो मुनव्वर फारूकी उन लोगों में से एक है। मुनव्वर फारूकी को प्यार करिए, उनको बिग बॉस 17 में सपोर्ट करिए ताकि वो जीतें। बिग बॉस 16 की तरह नहीं हो कि हकदार कोई और था, अभिषेक था, लेकिन अलविश यादव को विनर बना दिया गया था। तो सच्चाई का साथ दें, जो जेन्युइन लोग हैं उनका सपोर्ट करें, और प्लीज़ मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करें इस बार बिग बॉस 17 में, मैं यही चाहता हूँ। देश की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो लोग आपकी आंखों पे पर्दा डालना चाहते हैं झूठ का, उससे पर्दा हटाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा ध्यान लगाइए, सोचिए समझिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। उसके फ़ोटोज़ से, उसके प्रोफाइल से, उसके वीडियोज़ से,
उससे इम्प्रेस होकर उसको फॉलो मत करिए और उसको सपोर्ट मत करिए, जो सच है उसके बारे में पता करिए। मेरा काम यह है दुनिया के सामने सच्चाई लेके आने का, तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, ऐसे प्यार आप ऐसे सपोर्ट मेरा करते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।